हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस चैप्टर सेकंड विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज वेल एज टॉपिक्स. स्टूडेंट्स, नाउ टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज रिटन ऑन द बोर्ड. ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ टू पैरेलल वायर्स. बेटा आपके पास क्या है, टू पैरेलल वायर्स हैं और उनमें करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, 10 एम्पियर का. तो देखिए, दिस आर द टू पैरेलल वायर्स. ओके, तो 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ टू पैरेलल वायर्स. वायर्स आर सेपरेटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट. दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, दैट इज 5 सेंटीमीटर. कितनी डिस्टेंस अपार्ट है बेटा, 5 सेंटीमीटर. ओके, और बोथ आर पैरेलल कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन. ओके, और बेटा आपको निकालना क्या है, फाइंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. फाइंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ड्यू टू दिस टू पैरेलल वायर्स. अच्छा, आपको है ना वो टॉपिक याद कीजिए जो मैंने करवाया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन. ये आपका सेकंड चैप्टर में मैंने टॉपिक करवाया है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन. तो बेटा यहाँ पे देखिए, बिल्कुल दोनों कंडक्टर्स पैरेलल हैं और लेट्स से हैविंग करंट दिस वन आई वन एंड दिस इज करंट आई टू. दोनों में करंट सेम है भाई, आई वन एंड आई टू. तो बेटा सिंपली अगर दो कंडक्टर्स सेम करंट उनमें फ्लो कर रहा हो तो उनके बीच में फोर्स कितना होता है, फोर्स तो म्यू नोट आई वन आई टू, म्यू नोट आई वन आई टू टू पाई ए मल्टीप्लाई बाई एंगल, सॉरी मल्टीप्लाई बाई लेंथ. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स. अगर पर यूनिट लेंथ निकालना तो लेंथ को नीचे ले आइए, एफ ओ एफ बाई एल, तो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई ए. तो ये हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अब देखिए करंट गिवन है आपके और डिस्टेंस क्या है, ये देखो ये ए है, 5 सेंटीमीटर गिवन ना, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लीजिए. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा बेटा, म्यू नोट की वैल्यू आप पुट करेंगे 4π × 10⁻¹. ठीक है जी, करंट आई वन एंड आई टू है तो फर्स्ट करंट इज 10 एम्पियर, अनदर करंट इज ऑल्सो 10 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई. डिस्टेंस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻². आप कैलकुलेट कीजिए, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर आपका क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ. अगर यहाँ पे सिंपल फोर्स कहता तो आपको लेंथ को मल्टीप्लाई इधर करना पड़ता. ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूले में अंदर लेंथ ऊपर आता है ना, बट अगर वो पर यूनिट लेंथ कहता है तो लेंथ को नीचे ले आइएगा, तो दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो बेटा ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो पैरेलल कंडक्टर से रिलेटेड है. अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम, वो भी उसमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है लिख लेते हैं, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है भाई, ए गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम. गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम. कोई गैल्वेनोमीटर है भाई, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, 50 ओम है. गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन इट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 2 mA. दोबारा पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ए गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम. ठीक है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 50 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है फॉर करंट 2 mA. निकालनी क्या भाई, देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड संट, आपको संट निकालनी है. फाइंड संट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इन टू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर. इसका मतलब एमीटर करंट कितना भाई, 5 एम्पियर एमीटर करंट है. ठीक है, अच्छा अगर आप टॉपिक याद करो, ये आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस था और ये आपका भाई एक लो रेजिस्टेंस पास था, दैट इज संट. इधर का मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दी थी बेटा, पीछे से अगर एमीटर करंट आई है तो वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया था, वन इज गैल्वेनोमीटर करंट एंड अनदर इज आई माइनस आई जी, ऐसे डिवाइड हो गया था. ये आपका क्या बेटा, एस है. ठीक है, तो अब है ना सभी वही डिस्कस करेंगे हम. देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट कितना लिखा भी हो यहाँ पे, इट गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन फॉर करंट, ठीक है, ये गिवन आपका। तो सिंपल देखा जाए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितनी है, एक गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, यानी कि जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 ओम लिख लेते हैं, सभी पैरामीटर जो गिवन है 50 ओम है। अच्छा गैल्वेनोमीटर करंट कितना है भाई, गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, गैल्वेनोमीटर करंट बेटा कितना है 2 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फोर करंट 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फोर करंट 2 मिली एम्पियर, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर करंट कितना भाई 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली मिली तो 10 की पावर -3 एम्पियर, दिस इज द गैल्वेनोमीटर करंट। अच्छा एमीटर करंट, आपको एमीटर करंट जो भी एमीटर बनाना है उसकी रेंज कितनी है भाई 5 एम्पियर, तो ये आपका 5 एम्पियर करंट आ गया भाई, ठीक है। तो अब वही याद करो, संट कितना आया था आपका, संट का फॉर्मूला बेटा दैट इज आई जी जी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, सारे फॉर्मूला वैल्यूज पता है। गैल्वेनोमीटर करंट कितना बेटा बताना, 2 × 10⁻³। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 50 ओम डिवाइड बाई टोटल करंट कितना बेटा 5 माइनस गैल्वेनोमीटर करंट कितना है 2 × 10⁻³, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन करो बेटा, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेट संट है ना, तो आप इसको कैलकुलेट करें तो फिर आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लेना आप जो भी है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या भाई, सेकंड पार्ट क्या बेटा, सेकंड पार्ट आपका क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर की रेंज कितनी है 0 से 2 वोल्ट, आप इसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे जिसकी रेंज कितनी है 2 वोल्ट है। अच्छा वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस कितनी आई थी बेटा, अगर देखा जाए वोल्टमीटर मैंने ऐसे कहा था, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए था, ठीक है, ये क्या बन गया था वोल्टमीटर बन गया था, ये गैल्वेनोमीटर करंट था, ठीक है। तो वोल्टमीटर में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी माइनस आई जी जी डिवाइड बाई आई जी, ओके। तो ये था बेटा, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हो आप तो वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे सिंपल 2, क्योंकि रेंज इतनी है 2 माइनस गैल्वेनोमीटर करंट कितना बेटा 2 × 10⁻³। रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 50 डिवाइड बाई आई जी कितना भाई, आई जी कितना है 2 × 10⁻³। वैल्यूज पुट करो बेटा, आंसर आ जाएगा 950 ओम के प्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों न्यूमेरिकल थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।